आखिरकार कभी हाँ कभी ना, कभी तो ये हुआ कि अब देवी गीत इस साल तो पवन सिंह के नहीं आएंगे, तो आएंगे तो डायरेक्ट छठ के गीत। कई बार ऐसी अनाउंसमेंट हुई लेकिन फैंस के जिद के आगे आखिर हार ही गए पावर स्टार। जी हाँ, पवन सिंह के 3 देवी गीतों की रिकॉर्डिंग कंप्लीट हुई है और प्रियांशु सिंह जो उनके फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से इस बात की इन्फॉर्मेशन दी है। यानी कि फाइनली अब आपको सुनने को मिलेगा पवन सिंह के 3 देवी गीत। आपको ये बता दें कि इस साल पवन सिंह ने ये डिसाइड किया था कि वो कोई भी देवी गीत नहीं लेकर आएंगे, वो डायरेक्ट अपने हिंदी गानों पे काम करेंगे और फिर उसके बाद छठ के गीत लेकर आएंगे। लेकिन फैंस की नाराज़गी पवन सिंह नहीं झेल पाए। बहुत सारे लोगों ने उन्हें ट्रोल किया, कुछ ने तो ये भी कहा कि सक्सेस का नशा पवन सिंह पर चढ़ चुका है, इसलिए फैंस की बातों को वो दरकिनार कर रहे हैं और वो देवी गीत लेकर नहीं आ रहे हैं। इसके बाद पवन सिंह ने जब देखा कुछ ज़्यादा ही उनसे नाराज़ हो चुके हैं, तो उन्होंने फैंस के लिए अपना ये फैसला बदल दिया और अब पवन सिंह के 3 देवी गीत आएंगे और उसकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है और जल्द ही इसकी शूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि 7 तारीख जिस दिन नवरात्रि की शुरुआत है, उस दिन से आपको पवन सिंह के देवी गीतों को सुनने का अवसर मिल जाएगा। यानी कि अब आप ये कह सकते हैं कि सभी को सुनकर देख लिया, अब पवन की बारी है। जो पवन को ट्रोल कर रहे थे कि पवन खेसारी के डर की वजह से इस बार अपने देवी गीत नहीं ला रहे हैं, उनके लिए भी ये एक बड़ा अवसर होगा जब वो ये तय कर पाएंगे कि पवन के देवी गीत अच्छे थे या खेसारी लाल यादव के। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना।